गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। तो हम तो व्रत नहीं हैं, क्योंकि जो कोई हरछट रहता है और वो ये जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहता है। तो जेंट्स लोग तो रहते ही हैं। पहले मेरे घर में मेरे ससुर जी रहते थे, फिर उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो अब वो नहीं रहते हैं, छोड़ दिया। पहले बच्चे भी रहते थे, बच्चे भी अब नहीं रहते हैं, क्योंकि सब पढ़ लिख रहे हैं, इस वजह से व्रत नहीं रहते। और मैं भी रहती थी पहले, लेकिन जब से हरछट रहने लगी तब से फिर मैं नहीं रहती। हाँ, दिया बत्ती करती हूँ तो प्रसाद वगैरह भी चढ़ा देती हूँ, हो गया। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इधर मेरी वीडियो नहीं आई, शॉर्ट तो मैंने डाला है, पर पता है क्या है ना, इतना मेहनत करने के बावजूद ना कोई अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं सच में। इसलिए ना कभी कभी मन एकदम से दुखित हो जाता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी डालते हैं, क्योंकि हमारी बहनें इतनी प्यारी प्यारी मेरे से जुड़ी हैं, जो अक्सर मेरी जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो वो मेरी वीडियो देखती ही है, मेरी वीडियो का वेट भी रहता है उनको। और बहुत सी हमारी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम यूट्यूब ना छोड़ें, यूट्यूब पर रहें, तो क्योंकि शायद हो सकता है उनको मुझसे कुछ सीखने को मिलता हो इसी वजह से, या एक कहते हैं ना प्यार भी होता है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। तो हो सकता है मेरी बहनें मेरे से दिल से उनका जुड़ाव हो, इसलिए वो यूट्यूब नहीं छोड़ने देना चाहती हैं। मैं भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो एक लगाव सा हो गया है यूट्यूब से, और जो भी मेरी बहनें जुड़ी हैं उनसे भी लगाव हो गया है, तो इस वजह से। लेकिन क्या है ना, मेहनत करने पर हमें, देखिए हम लोग एक हाउस वाइफ हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं और प्लस हमारे साथ साथ ससुर भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो देखना पड़ता है। इस वजह से मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छे व्यूज़ आए ना, तो मन भी खुश रहता है, उत्साह रहता है कि चलो हम अगले फिर से वीडियो डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और कल मैं बता रही हूँ, आज जन्माष्टमी, कल मैंने जन्माष्टमी के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो शूट की। पता है आपको, 12 बजे मैं जल्दी से तैयार हुई और बाहर के रूम में गई, क्योंकि इधर हमारे यहाँ सब कोई सो रहा था। मैं बाहर गई हूँ और ड्रेस चेंज की हूँ, साड़ी पहनी हूँ और मैंने शॉर्ट वीडियो डाला। लेकिन पता है, मेहनत करने पर ये कोई अच्छा सा व्यूज़ नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हैं, लाइक भी नहीं करते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा मन दुखित होता है। पर कोई बात नहीं, हार नहीं मानना चाहिए जीवन में कभी भी, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलने ही मिलने हैं। और आज मैं शाम को बना रही हूँ, ये देखिए, हम इसको तरुई बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे तरफ इसको तरुई बोलते हैं। तो जैसे कि तरुई की सब्ज़ी, यदि आप 1-1.5 किलो भी तरुई ले रही हैं और बना रही हैं, तो बनने के बाद क्या होता है ना, थोड़ी सी बन जाती है, और पूरे घर परिवार को होता नहीं है, है ना। हम लोग बहुत समस्या हो जाती है कि यार कैसे सबको एडजस्ट होगा, है ना। तो आज मैं आपको तरुई की सब्ज़ी ऐसे बनाना सिखाऊंगी जो पूरे घर परिवार के लोग भर भर कटोरी कर लेके खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए तरोई को छील के धो के यहाँ पे ये देखिए कट कर लिया है, और इसमें डालने के लिए मैंने प्याज लिया है, लहसुन, और अभी इसमें मिर्चा लूँगी। और मैंने क्या लिया है दिखाती हूँ, ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मैंने लिया है ये लाल वाली मसूर की दाल है, छिलके इसके उतरे हुए वाली है ये दाल। तो एक कटोरी आपकी, मतलब जितना आपका तरोई हो उस हिसाब से आप एक कटोरी ये मसूर की दाल रख लीजिए, धो करके थोड़ी देर पानी में रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और यहाँ पे ये तरोई को कट कर ली हूँ। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, और कैसे बना रहे हैं तो आप भी ज़रूर फॉलो करिए, सीखिए और अपने घर परिवार को खिलाइए। क्योंकि बहुत सी बहनें होती हैं ना, उनका ये होता है ननुआ बनाओ, तरोई बनाओ, तो थोड़ा सा हो जाता है, तो सबको हो भी नहीं पाता है। तो आज आपको ऐसी नौबत नहीं आने वाली, सब लोग के लिए हो जाएगा, और भर भर की कटोरियाँ भी आप देंगी तो भी बच जाएगा आपके।
चलिए ठीक है, तो बनाना हम सिखाते हैं। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक देना, जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी रोज़ की रोज़ आपकी मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए ठीक है, आइए किचन में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सिखाएंगे प्याज तरोई की सब्ज़ी कैसी बनाई जाएगी, और सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, और भर भर अपने परिवार को कटोरी खिलाइए। तो बस यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं तरोई की सब्ज़ी, और हमारी बहनें ना बड़ा मतलब टेंशन में रहती हैं कि तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे तो थोड़ी सी हो जाती है, पता नहीं घर परिवार को होगी कि नहीं होगी। तो आज से आपकी ये टेंशन ख़त्म। तो आज मैं नए तरीके से आपको तरोई की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने एक कटोरी मसूर की दाल ली है, जितना आपकी तरोई हो उस हिसाब से आप एक कटोरी ही लीजिए नाप के। मसूर की दाल धो करके अच्छे से उसको पानी में भिगा के रख दीजिए, और लहसुन मिर्चा अदरक प्याज उसको भी आप छील के कट कर लीजिए, और तरोई को छील करके के काट लीजिए। तो मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है, और मैं इसमें मतलब 2 चम्मच के करीब गरम मसाले ली हूँ, थोड़ी सी हल्दी ली हूँ और मिर्चा पाउडर ली हूँ। तो इसको भी मैं पानी डाल के थोड़ा सा मसाले को भीगने के लिए रख दूँगी। और सच मानिए ना, आप इस तरीके से तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपके घर परिवार में सभी लोग बहुत पसंद करेंगे, और भर भर कटोरी आप देंगी भी ना तब भी कम नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मसाले को भी मैं थोड़ी देर के लिए भिगा करके रख देती हूँ। एक बहन ने मेरी कहा, यार तरोई की सब्ज़ी बनाए, लेकिन सबको होता ही नहीं है, 1.5 किलो 2 किलो भी मार्केट से ख़रीद के लाओ तो थोड़ी सी हो जाती है बनाने पर। तो मैंने कहा चलिए आपकी टेंशन ख़त्म, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो आप ज़रूर इससे इसी तरह से बनाइएगा। तो मैं तरोई की सब्ज़ी घी से बना रही हूँ, तो आप भी घी से ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। यदि आप लोग घी से नहीं पसंद करते हैं तो आप तेल से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने घी, देसी घी डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा ये मैंने लिया है मेथी। तो जी हाँ, मैं मेथी से ही तड़का लगा रही हूँ, आप चाहो तो जीरा से भी लगा सकते हो, पर हम मेथी से लगा रहे हैं, मेरे घर में मेथी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मेथी ले लिया है। तो अब हमारा देसी घी जब हो जाएगा गरम, तभी फिर मैं मतलब मेथी को डालूँगी। यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी कि हम आपसे क्या बताएँ। अपने घर परिवार को बना के खिलाना, चाहे पूड़ी से खिलाना, चाहे रोटी से, चाहे चावल से, चाहे जिस चीज़ से, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरा देसी घी हो गया था, मैंने मेथी डाल दिया, और लहसुन प्याज मिर्चा जो मैंने कट करके रखा था उसको डाल दिया। तब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हल्का सा मेरा ये प्याज लहसुन लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा अगर लाल कर देंगे ना तो फिर टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो बस इतना ही लाल करना है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो मैंने मसाला घोल के रखा है उसको डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को डाल दिया है। तो आप जिस हिसाब से अपने घर परिवार के लिए बना रही हूँ उस हिसाब से मसाला लीजिए, उसी हिसाब से आप सारा कुछ ग्रेवी भी डालिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी कटोरी में मसाला लगा था उसको घोल के डाल दिया है। अब इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी, तो अच्छे से जब भून जाएगा तब इसमें मैंने जो तरोई छील काट के रखी है उसको फिर डालूंगी। तो पहले मसाला अच्छे से भून लेते हैं। तो आज से आपकी टेंशन ख़त्म है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा तरोई की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने जो है तरोई को डाल दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे काला काला हो रहा है, जी हाँ, तो मैं लोहे की कढ़ाइया में बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी तरोई ज़्यादातर बनती है, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाइया में जो सब्ज़ी का जो टेस्ट आता है, जो हमें आयरन मिलता है ना, वो सिल्वर और स्टील की कढ़ाइया में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए, और आप चाहो ना तो पीले के लिए आप सिल्वर की कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई में भी आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी, पर हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी ज़्यादातर बनती है। तो यहाँ मैंने मसूर की दाल जो मैंने थोड़ा सा भिगा के रखी थी 1 कटोरी, उसको डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनूंगी, और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपके परिवार के लोग कम ज़्यादा खाते हो, मेरे यहाँ थोड़ा कम ही खाते हैं तो मैंने कम डाला है, और हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से भून ली हूँ, तो अब इसमें मैं डालूँगी पानी।
तो पानी आप अपने अनुसार डालिएगा, जितना आपको अपने परिवार के हिसाब से आपको बनाना हो उस हिसाब से पानी डालिए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी तरुई पानी भी छोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलिए पानी डाल देते हैं। तो देखा ना आपने, बन रही ना ग्रेवी वाली तरुई की सब्जी। यकीन मानिए आप इस तरह बनाएंगे ना, इतनी टेस्टी लगेगी कि आप खुद सोचोगे सच्चे में पहले क्यों नहीं मैंने ये तरीका सीखा तरुई की सब्जी बनाने का। तो यहाँ पे मैंने पानी और थोड़ा सा डाल दिया है। तो चलिए इसको अब धीमे आँच में हम रख देंगे पकने के लिए। तो हमारे घर में हम लोग 4 लोग हैं, तो मैं 4 के हिसाब से बना रही हूँ। आपके घर में जितने लोग हों उस हिसाब से आप सारी सामग्री ले करके उसी हिसाब से आप फिर पानी डालिएगा। तो चलिए इसको हम धीमे आंच में रख देते हैं पकने के लिए, और पकेगी उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ज़रूर बनाना इसी हिसाब से, अब आपके घर परिवार के लोग बहुत अच्छे से खाएंगे और कम भी नहीं पड़ेगा, भर भर कटोरी भी खिलाएंगे तो भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी तरोई की सब्जी बनकर के रेडी हो गई है। तो चलिए इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बन गई है ना मेरी तरोई की सब्जी, देख रहे होंगे आप लोग कितनी अच्छी ग्रेवी वाली तरोई की सब्जी बनी है। तो ज़रूर इसको अपने घर परिवार को बना के खिलाइए, भर भर कटोरी दीजिए, कम नहीं होगा और परिवार के लोग भी खुश हो जाएंगे। तो चावल परेठा पूड़ी रोटी किसी के साथ भी खाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिएगा, जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।